इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। करवाया जाए कि 2018 के जो इंतखाबात थे वो साफ और शफाफ तरीके से नहीं हुए थे। साथ साथ ये भी बताया जा रहा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि इक्तदार में बैठी हुई जमात है, उसके खिलाफ एक केस लगा हुआ है जिस केस का नाम है पार्टी फॉरन फंडिंग केस। उस पर 6 बरस गुजर जाने के बावजूद क्या वजूहत है कि फैसला आज तक नहीं हो सका। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो किरदार है वो थोड़ा शेडी हो जाता है। मरियम साहब और मौलाना फजल रहमान साहब ने इस मौके पर क्या गुफ्तगू फरमाई, जरा उनकी ज़बानी सुनिए। क्या जानते हो किन दो मुल्कों से इसको फंडिंग हुई? एक है इंडिया भारत और दूसरा है इसराइल। उसका नाम है इंद्रजीत दोसांझ, भारतीय जनता पार्टी का वो मेंबर है, उसने इसको फॉरेन फंडिंग में पैसा दिया। और जिस इसराइली ने इसको पैसा दिया उसका नाम है बैरी सी शेप्स। जानते हो ये पैसा जो इमरान खान के अकाउंट्स में आया, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अकाउंट से आया, ये कैसे आया जानते हो? हुंडी के जरिए। इन्होंने ख्वाब दिखाया था, ख्वाब दिखाया था रियासत मदीना का, लेकिन कौम सुबह उठी तो उनका रुख कूफे की तरफ था। जी, तो ये गुफ्तगू आपने सुनी, जिस किस्म के बयान दिए गए हैं उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ऐलानिया भी जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि आईनी और कानूनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह आगाह हैं और बगैर किसी दबाव के अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए पुरअज़्म हैं। जनरल साहब, जिस किस्म का ये गुफ्तगू आज की गई दोनों रहनुमाओं की जानिब से, फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने भी ऐलानिया जारी कर दिया और उसमें कुछ ऐसा कोई प्रेशर नजर नहीं आया, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि ये जमातें इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालने में कामयाब रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इन मामलात में इस तरह नहीं आता प्रेशर इनके ऊपर। बात यह है कि यह है कानूनी मसला, और जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि इनकी अपनी पार्टीज में भी ये प्रॉब्लम्स हैं और ये इलेक्शन कमीशन को बहरहाल जल्दी करना चाहिए, क्योंकि ये एक सीरियस इशू है। फॉरन फंडिंग कोई ऐसा मसला नहीं है कि इसको इग्नोर किया जा सके, खासतौर पर अगर उसके सोर्सेज जो हैं वो मशकूक हैं या ऐसे सोर्सेज हैं जो कि काबिल एतराज़ हैं। तो ये जरूर हो सकता है कि अब इसके बाद थोड़ा प्रोसेस तेज हो जाए, लेकिन ये कहना कि उससे कोई अपनी मर्जी का फैसला ले लेंगे, ये मेरा ख्याल मुमकिन नहीं, और होना भी यही चाहिए कि असूलों की बुनियाद पे, कानून की बुनियाद पे सारी पार्टियों के फैसले किए जाएं और इलेक्शन कमीशन को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, समझना चाहिए कि ये उनकी जिम्मेदारी है जो कि जल्दी करना चाहिए। और उसके बावजूद हमने कल ये बात भी की थी और आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि फैसले के बाद भी ये कोई यहाँ मसला खत्म नहीं हो जाएगा। ये नहीं है कि हुकूमत अपना बोरिया बस से लपेट के चली जाएगी, ये आगे फिर कानूनी प्रोसेस शुरू हो जाए और उसकी वजह से देख लें, टेन्योर अगर ये पूरा कर लेते हैं तो अगले इलेक्शन में फिर दोबारा ये खेल शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से कोई ऐसी चीज लगती नहीं जिससे कि ये कहा जाए कि बहुत कोई तूफान आने वाला। एनबीसी मौलाना और मरीम की तकरीर से आपको लगा कि दबाव बढ़ गया? दबाव दोनों तरफ बढ़ रहा है, एक तरफ इनकी आज की तकरीर के कोर्ट साहब ने सुना है वो, दूसरी तरफ तीन वज़रा की इकट्ठी प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर शेख रशीद की अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर बाबर आवान के ट्वीट्स, तो लग रहा है कि दोनों तरफ हलचल मची हुई है, कहीं ना कहीं दबाव पड़ रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन पर कोई दबाव नहीं है, 6 साल से दबाव नहीं है उसके ऊपर, 6 साल हो गए उस मुकदमे को, वो फैसला नहीं कर पाया, तो अब 6 महीने और निकाल लें आप, ज़्यादा जल्दी किस बात की है। लेकिन जो लिस्ट है डोनर्स की, उसका फॉरेंसिक तो होना चाहिए, मैं इस बात के हक में हूँ, उसका फॉरेंसिक होना चाहिए, कौन थे, कहाँ से आए थे, किन्होंने वो डोनेशंस दी हैं, और ये कहकर आप नहीं बच सकते कि मेरे एजेंट्स थे, अगर उन्होंने लिए तो मुझे क्या, मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, ये कह के आप नहीं बच सकते बिल्कुल, जो डोनेशन आपके पास आया। दूसरी बात ये कि ये जो इल्ज़ाम है ना, इसराइल का एजेंट और यहूदी एजेंट और भारत का बयानिया और पाकिस्तान में वफात से गद्दारी, ये मैंने पहले भी कहा है कि यार सब जमा कर लें, तमाम इल्ज़ाम को जमा कर लें, एक बहुत बड़ा बना दें ट्रिब्यूनल 9 जजों का,
रिटायर्ड जजों का, चीफ जस्टिस का, वो उसमें पेश कर दें और गद्दारी का मुकदमा चला दें, उसके बाद जो फैसला है वो ले लें। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी ख़राब सूरत हाल बनने वाली है। हुकूमत मौजूद है, हुकूमत अभी नहीं जा रही। अगर फैसला आ जाए, मैंने कल भी कहा था कि कौन जीता है तेरी इश्क के ज़ुल्फ़ों असर होने तक। ज़ुनैहरा, अच्छा ये जो नून लीग का पॉलिटिकल रिजॉल्व है ना और कंस्ट्रक्ट, इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैटर वो बहुत वीक है शुरू दिन से। पनामा में जो बैटल इनको पॉलिटिकल मनूवर से लड़नी चाहिए थी, इन्होंने वो लीगली लड़ना शुरू कर दी, ये जानते हुए भी कि ये चीज़ें प्रूव नहीं कर सकेंगे। इनके पास रसीदें नहीं हैं, इनके पास मनी ट्रेल नहीं है, अभी भी ये वही गलती कर रहे हैं। ये आराम से रेफरेंसेस दायर कर सकते हैं, बहुत एक आईनी रास्ता ले सकते हैं, अदालत में जाएँ, चीफ जस्टिस के पास जाएँ और उनसे कहें कि जी इसका कोई हल निकालें, इस तरह गलत फंडिंग हुई हुई है, व्हाटएवर। अभी जब लीगल डिस्कोर्स फॉलो करना चाहिए तो ये मनूवर कर रहे हैं पॉलिटिकल। सो इनका जो सेंस ऑफ जजमेंट है वो बहुत फ्लॉड है। रह गई बात के आईनी तौर पे जो इलेक्शन कमीशन है उसके ऊपर ये कितना जोर डालेंगे। उन्होंने अपनी रफ्तार से काम करना है, पाकिस्तान में इदारे जिस रफ्तार से काम करते हैं हम सारे जानते हैं। ये ज़रूर है कि जब हम ये कहते थे पीटीआई को कि ये आप गद्दारी के सर्टिफिकेट्स ना बांटें और ना इस तरह की बात करें दूसरी पार्टीज़ के बारे में, तो फिर अब भी ये कहना चाहिए कि प्लीज़ ये इंडियन लॉबी, इजरायली लॉबी, ये सब कुछ ये कार्ड्स मत खेलें। एक तो पुराने हो गए हैं, दूसरा मेरे ख्याल है अगर इसके ऊपर फिर एक दफ़ा बैठ के जिस तरह NBC कह रहे हैं फैसला कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो कोई मैच्योर पॉलिटिक्स नहीं कर रही है मुस्लिम लीग नून या PDM, आई वुड से फॉर दैट मैटर। बहुत मैच्योर अगर इनमें से कोई इस वक्त जा रहा है तो वो पीपल्स पार्टी है। वही आसमा, किसी भी सियासी पार्टी का कोई भी रुकन हो या पाकिस्तान में रहने वाला कोई भी शख्स, हुब्बुल वतनी पर सवाल निशान लगा देना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं। आप इत्तफाक करेंगी, लेकिन जिस तरह से आजकल बातें की जा रही है पार्टी फंडिंग केस को लेकर, दबाव बढ़ा आज के इस एहतजाज के बाद? देखिए जी, मैं तो ये सजेस्ट करूँगी PDM को कि रिलैक्स, टेक अ स्टेप बैक, डीप ब्रेथ, और फिर इस मामले को दोबारा अप्रोच करें। आप एक इस तरह से अभी फिलहाल ये चल रहा है ना कि वो एक चीज़ की हाइप यहाँ पे पहुँचा देते हैं, डिलीवर वो यहाँ पे कर सकते हैं, तो उससे आपको नुकसान हो रहा है। PDM का अपना जो एक नैरेटिव है वो लोगों के सामने वो उस तरह से फोर्सफुली प्रेजेंट नहीं कर सक रहे। लोगों की एक्सपेक्टेशन आप बढ़ा देंगे और डिलीवर नहीं कर सकेंगे तो कभी भी आप अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर सकेंगे। जहाँ तक इस केस का और इलेक्शन कमीशन पे दबाव का बात है, यहाँ पे मैं एक फिर शहराना थोड़ा सा, कुछ शहर दे रोग भी जालम सन, कुछ सानू मरन का शौक भी सी। यहाँ पे स्टेक्स सबके हाई हैं, ये सिर्फ PTI के को आप एक उसको आइसोलेशन में नहीं देख सकते। ये तीनों पार्टी इसके स्टेक्स इसमें हाई हैं और तीनों पार्टी बहुत ही शेकी ग्राउंड। और मैं जहाँ तक PTI की पॉलिटिक्स को हमने फॉलो किया है ना कि वो अपने खाते किसी ना किसी तरह मेंटेन रखते हैं, लेकिन बाकी पार्टीज में शायद ये इतनी रिवायत नहीं है। तो आप जब इस तरीके से एक क्योस बर्पा करना चाह रहे हैं तो उसमें फिर आपका नुकसान अपना भी होगा। तो आप जिस स्टेप, तो गाइज ये वीडियो होता है यहाँ पर ख़त्म। आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया में पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टी नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने आरोप लगाए हैं कि इमरान खान हैं वो BJP से पैसा ले रहे थे पिछले जब इन्होंने इलेक्शन कैंपेन की थी और इसराइल से पैसा ले रहे थे। अब पता नहीं ये आरोप कितने सच्चे हैं और कितने वैसे हैं, पता नहीं ये कैसे आरोप लगाए। हालांकि ये इंडिया पाकिस्तान दोनों देशों में होता है, इंडिया पाकिस्तान का पॉलिटिकली यूज़ होता है, ये इसमें कोई नई बात नहीं है, आपको भी पता है दोस्तों, ऐसा बहुत होता है इंडिया पाकिस्तान में। तो आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। हालांकि इस वीडियो में आपने देखा कि ये बताया गया कि ये बहुत पुराने मतलब पुराने डायलॉग या पुरानी बातें हैं, जो इस तरीके की बातें बेसिकली होती हैं। हालांकि BJP पाकिस्तान को क्यों पैसे देगी ये भी आपको पता है, BJP पाकिस्तान का कितना 36 का आंकड़ा रहता है और कोई भी भारतीय है, हालांकि ऐसा नहीं है, दे सकते हैं, भारत में भी बहुत सारे पाकिस्तान समर्थक लोग हैं, आपको भी पता है बहुत प्यार है उनको पाकिस्तान से, तो वो लोग पैसे दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर आजकल तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, कुछ भी कहीं से भी थर्ड पार्टी के थ्रू आप किसी भी देश में पैसा भेज सकते हैं, ये सब तो कोई टफ बात है नहीं।
तो आपने देखा कि मरियम नवाज ने इस तरीके की बातें की। हालांकि इमरान खान ने भी मतलब नवाज शरीफ के खिलाफ इस तरीके के आरोप लगाए थे कि नवाज शरीफ के मतलब जिंदल ग्रुप से काफ़ी अच्छे संबंध है। जिंदल ग्रुप आप जानते हैं भारत का सबसे मतलब बहुत बड़ा ग्रुप है, दिल्ली डेयरडेविल्स उनकी टीम है, सॉरी दिल्ली कैपिटल्स, तो उनसे इनके ताल्लुकात हैं और मोदी को नवाज शरीफ से जिंदल ग्रुप ने ही मिलवाया है। इस तरीके की बातें इमरान खान ने भी बहुत ज़्यादा की हैं। तो अब शायद वही एक्शन का रिएक्शन दूसरी पार्टी से हो रहा है, तो ऐसा तो चलता रहता है दोस्तों। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।